माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सुबह 4 बजे उठ के और जो प्रभात फेरी के लिए, मतलब पहले मंदिर जाते थे दीपक जलाने, आप प्रभात फेरी चल रही है, घर घर क्या है, दो दो भजन गा देते हैं हम, तो बस वही चल रहा है। कल मैं भी प्रभात फेरी के लिए संगत बुलाऊंगी सुबह 6 बजे, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या करूँ मैं।도저히 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 사 Guys, जब तक मसाला फ्राई होता है मैं पी लेती हूँ चाय। आइए आप लोग भी पी लीजिए। एक्चुअली आप लोग सोचते होंगे मैं इयररिंग्स क्यों नहीं पहनती, पता क्या है मेरे ना कान लटक जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत हैवी लगता है, फील होता है, तो मैं इयररिंग्स बार बार उतारती रहती हूँ, फिर मैं बदल बदल के पहन ली। इसे क्या शौक भी पूरे हो जाते हैं और मतलब कान भी मेरे लटकेंगे नहीं। और क्या है, मसाला फ्राई हो चुका है, अब मेरी सब्जी कंप्लीट छुकी गई है। फटाफट मैं चाहती हूँ चावल, क्योंकि राजमा के साथ बच्चों को पसंद है चावल। तो बच्चे आएंगे 2 बजे करीबन, आ जाएंगे बच्चे, जल्दी से काम निपटा लेते हैं। कपड़े मेरे सुबह धुल चुके हैं, कपड़े मतलब मैंने मैक्सिमम 9 बजे तक धो लिए थे। सब्जी छुक गई है, थोड़ा ही बॉईल हो जाएगी ना, तो थोड़ी पतली है, गाढ़ी हो जाएगी। जैकी क्या है, जैकी वो नहीं खाता है, मतलब चावल नहीं खाता है, उसको चावल खाता है ना उसको दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए जैकी के लिए बनाऊंगी मैं रोटियां। पता है वो चावल भी नहीं खाता, पूरी भी नहीं खाता, पराठे भी नहीं खाता, सिर्फ रोटी खाता है, वो भी दूध से, सब्जी से भी खा लेता है पर कम खाता है, ज्यादा रूखी ज्यादा पसंद करता है, तो देसी घी से चपड़ उसको दे दूंगी रोटी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आप लोग कैसे हैं, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 तारीख और मेरा है आज बर्थडे, तो आज वैसे मेरे को याद नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने विश किया और मेरे घर से ही फ़ोन आया, तो मुझे याद आया कि मेरा बर्थडे है। और आज एक्चुअली अचानक से ही पड़ गई, मतलब प्रभात फेरी के लिए सभी के घर में जाते हैं ना प्रभात फेरी लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कार्तिक नहा रहे हैं, हम प्रभात फेरी के लिए घर घर जाते हैं कीर्तन करने के लिए, तो आज प्रभात फेरी हमने भी रखवाई है सुबह की, तो बस संगत आने ही वाली है, 5:45 बजे संगत आ जाएगी, तो देखते हैं कि संगत मतलब कितनी देर में आती है। फिर जब भजन कीर्तन होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फिर मैं मिलती हूँ आपसे भजन कीर्तन के बाद, ठीक है। Oh,
शाम के 6:15 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम है और वैसे ही भगवान के नाम पे तो टाइम जरूर निकालना चाहिए, कभी भी भगवान के नाम पे मना नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं मंदिर। और आज सुबह का प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपट गया है, बहुत अच्छे से हमने मैनेज कर लिया है और बहुत ही अच्छा लगा। भजन कीर्तन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं और आप लोगों ने तो देखा ही था, मैंने मूंगफली और लड्डू का प्रसाद रखवा दिया था। चाय वगैरह तो नहीं करी क्योंकि सभी लेडीज़ ने मना कर लिया कि सुबह का समय है, सभी को काम की जल्दी होती है। और अभी शाम को कीर्तन होगा, डेली होता है, आज भी हो रहा है, तो मैं भी शाम को जा रही हूँ अब कीर्तन में, तुलसा माता की आरती उतारने में। तो अभी मैं आके आपसे मिलती हूँ, जल्दी से चलते हैं मंदिर, ठीक है। आमले के नीचे खा लो प्रसाद। देखिए फ्रेंड्स, ये आपने बच्ची कहीं देखी है? हाँ, ये आप सही पहचाना, ये शिवी है। ये देखिए, हम मंदिर में गए थे, वहाँ पे भी आया करके चाय पी के ये लड़की। और ये देखिए, समोसे के साथ चाय चल रही है यहाँ पे। अभी भी मेरी चाय ले ली इसने, सारी मेरी चाय छीन ली और समोसे का चाय खा रही है। देखो चाय पी रही है। साड़ी के साथ मैच हो गया ही है। हाँ। देखिए है ना, चला ले जला सारी चल दिया। थैंक यू, ये सरप्राइज गिफ्ट दिया है भाभी ने भी, खोल के देखते खोल के क्या है। पहले खोलिए सर, तेरी मामी तो पैकिंग बढ़िया करवा के लाइए। हम भी पैकिंग अच्छी करवा के लाए हैं। ओ वाओ, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर है, थैंक यू वेरी मच। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैं मीशो पे देख रही थी, मेरी भाभी ने दिया है गिफ्ट मीशो पे। मैंने बैंगल ऑर्डर कर दिया मम्मी के लिए, बैंगल बेटा मत छेड़ के देख पलक। ये वाले इयररिंग अच्छे लग रहे हैं, रुक जाओ जोड़े पे ऐसी भावज मिलेगी किसी को? नहीं ना मिला, मुझे मिली है। मामी से मैगी पहन के देखूंगी, थोड़ा सा करो टाइट। थैंक यू, बढ़िया लग रहा। इयर रिंग खो मत, दीस में रख दे, तैयार हो, बढ़िया लग रहा। कल कल मम्मी को शादी की सालगिरह, पता क्या है, आज मैं पैदा होगी थी एक दिन पहले, और 18 नवंबर की मेरी मम्मी की शादी की सालगिरह। मम्मी एंड पापा जी, आपको ये चीज स्पीकर के कैसा लगा? नाइस एंड वेरी मच, ये हमारे घर की अपनी जो ग्रीन वाली टी वो रखे हैं, उससे बनाई गई ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है गाइस, टू गुड। आज बच्चों ने मेरा बर्थडे किया और सुबह कीर्तन भी हो गया, आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। और मुझे तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।